हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम निमिषा पल्लवी और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ डव एक्सप्लाइटिंग बॉडी पॉलिश पोमाग्रेनेट सीड एंड सिया बटर। आप देख सकते हैं इस तरह से ह्यूज पैकेजिंग में आती है एंड दिस डव इज रियली ऑसम एंड वर्थ द मनी। जैसे हम लोग सभी चेहरे के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, अपने चेहरे को एक्सप्लाइट करते हैं, उसके डेड सेल को हटाते हैं, उसको टैनिंग से बचाते हैं, इवन मॉइस्चराइज करते हैं, बहुत सारा केयर करते हैं अपने चेहरे के ऊपर, लेकिन द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नेग्लेक्टेड। उसे ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते उसके, जैसे हमारी बॉडी में भी डेड सेल एक्यूमुलेट हो जाती है, सो उसे भी आपको क्लीन करना पड़ता है, उसे भी हटाना पड़ता है। जिससे कि अगर आप डेड सेल हटाएंगे तो जैसे स्क्रब करेंगे तो डेड सेल हट जाएगी, तो सेल जनरेशन फॉर्म होगी, तो आपकी स्किन जो है स्मूथ हो जाएगी और जो भी स्कार्स की मार्क्स रहती है या जो भी बॉडी एक्ने होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी, आपकी ओवरऑल द टेक्सचर ऑफ द बॉडी स्मूथ हो जाएगी। सो सभी को तो स्मूथ बॉडी चाहिए ही चाहिए, सो आप एक स्क्रब जरूर यूज करिए एंड दिस इज द स्क्रब एंड दिस इज सच ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। एंड आप देख सकते हैं ये ह्यूज टब में आती है एंड डव की प्रोडक्ट तो और रियली ऑसम। आप कैप खोलेंगे तो आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं एंड हियर गोज द प्रोडक्ट। ये लाइट वाइट कलर की इसकी टेक्सचर, इसमें छोटे छोटे बीड्स जो पोमाग्रेनेट के हैं वो मतलब लाइट पिंक कलर के टोन में है एंड इसकी बीड्स बहुत ही माइक्रो बीड्स है जो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही जेंटल रहती है एंड ये बहुत ही अच्छे से बहुत जेंटली आपके स्किन से डेड मतलब स्क्रब करके आपके डेड लेयर सेल से स्किन सेल से डेड सेल को हटा देती है ना, आपकी स्किन को स्मूथ बना देती है एंड स्मेल तो बहुत ही ऑसम करती है, जस्ट लाइक ए वनीला आइसक्रीम। अगर आप जब इसे यूज करेंगे तो आपकी पूरी बाथरूम स्मेल हो जाएगी एंड बहुत अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा खुशबू देता है। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 699 रुपीज में आती है एंड इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर है विच इज ए गुड। सो आई एम गोइंग टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट एंड व्हाट द प्रोडक्ट हैज टू क्लेम। पॉलिश योर स्किन विद डव एक्सप्लॉइटिंग बॉडी पॉलिश द स्क्रब दैट नरिशेस एंड रिस्टोर द स्किन्स नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। हाउ टू यूज, इसके यूज कैसे करना है। इन सावर और ए बाथ स्कूप ए जेनरस अमाउंट ऑफ बॉडी पॉलिश विथ योर हैंड, स्प्रेड ऑल ओवर योर बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन एंड राइजन, फॉलो विथ डव बॉडी वॉश और डव ब्यूटी बार, इंजॉय डव एक्सप्लॉइटिंग बॉडी पॉलिश 3 to 4 टाइम्स पर वीक। सो इसे मैंने वंस इन ए वीक में यूज करती हूँ। आई हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई बॉडी स्किन। ये बहुत ही ज़्यादा मेरी बॉडी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, जैसे कि आपकी स्किन जैसे जो मतलब डेड सेल एक्यूमुलेट होने की वजह से थोड़ी डल लगने लगती है आपकी बॉडी स्किन, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ हो जाती है, वेलवेटी फिनिश देता है एंड आप तो जानते हैं इसके बाद तो इसकी स्मेल, आप इवन आप बॉडी ड्यूड्रेंट भी नहीं यूज करेंगे तो आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे आप बहुत अच्छे स्मेल करेंगे। एंड बॉडी को स्क्रब वंस इन ए वीक करना ही करना चाहिए। अगर आप शेविंग करते हैं अपने बॉडी को या इवन लेग को या हैंड को, तो आप शेविंग से पहले आप अपने बॉडी को अच्छे से एक्सप्लॉइट करें। इससे क्या होता है कि आपके जो छोटे छोटे बम होते हैं स्किन में वो नहीं होंगे, आपकी स्किन में रैसेस नहीं आएगी। जैसे स्क्रब जैसे आप वैक्सिंग भी करते हैं तो बहुत क्विक रैसेस हो जाती है, तो नहीं वो सारी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन की टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपकी एक्ने एंड पिंपल की मार्क धीरे धीरे फेड होने लगेगी एंड आपकी स्किन से जनरेशन में फॉर्म होगा, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर स्मूदर एंड यंगर लगेगी। सो अगर जब आप एक्सप्लॉइट करते हैं तब आप आने के बाद जैसे आप सावर में एक्सप्लॉइट करते हैं, जब सावर से आप आते तो अपने बॉडी के ऊपर अच्छे से हाइड्रेट कर लीजिए या कोई भी बॉडी मॉइस्चराइजर यूज करिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सो अपने बॉडी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इंजॉय करिए। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye, namaste.